लोग यही सोच रहे हैं ना कि महाराज विक्रम आज इस रेगिस्तान में अकेले कहाँ भटक रहे हैं। वो ऐसा है कि अरे नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। महाराज उठ गए। महाराज मुंजा, मुंजा कितना भयानक सपना था वो। महाराज हर दिन आपका किसी न किसी भयंकर मुसीबत से सामना होता रहता है, तो सपने भयंकर ही आएंगे ना। अब चलिए, सुबह हो गई है, तैयार हो जाइए। तुम ठीक कहते हो मुंजा। अरे महाराज, अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया है? मैं और भी जवान दिख रहा हूँ। महाराज ये कैसे हो सकता है? मुंजा मुझे लगता है कि ये देवी माँ का आशीर्वाद है, ताकि मैं अपने शत्रुओं को आसानी से हरा सकूं। मुंजा हमें देवी माँ के दर्शन करने चाहिए। ये क्या माजरा है? चलो। महाराज बचिए। महाराज आपके चेहरे को क्या हुआ? मुंजा मुंजा ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी तलवार तक नहीं उठा पा रहा, और अब मैं एक युवक से बच्चा बनता जा रहा हूँ। महाराज चिंता तो मुझे भी यही है, आखिर ये माजरा है क्या? फिर से बच गया आपका विक्रम। लेकिन अब और ज्यादा देर नहीं बचेगा। जैसी जैसी सूरज पश्चिम दिशा में जाएगा, वैसे वैसे विक्रम की उम्र कम होती जाएगी, और सूरज की आखिरी किरण के साथ ही विक्रम एकदम से छोटा हो जाएगा, छोटा छोटा। मेरी ताकत को मान लेना चाहिए चमचम चुड़ैल। मेरी बनाई हुई इस उल्टी घड़ी से विक्रम के जीवन की घड़ी भी थमने वाली है। तू मेरी गुलाम है तो तेरी हर तरकीब भी मेरी ही हुई, और इस तरकीब से जाने वाली विक्रम की जान भी मेरी ही होगी। अब तो देवी माँ ही हमें इस संकट से बचा सकती है मुंजा। महाराज आप यहीं रुकिए, मैं अभी फूल और बेलपत्र ले आता हूँ, हमें देवी माँ की पूजा करनी होगी। तू यहाँ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोटे बच्चे इतना गुच्छा नहीं करते। महाराज 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 कहाँ हैं आप? महाराज
अरे महाराज की तलवार। पहले महाराज की उम्र का घटना, फिर उनका गायब हो जाना, कहीं कुछ गड़बड़ है। जे अंगूठी रे अंगूठी, ये बता दे अब महाराज विक्रम गायब हुए कैसे और कब? तो ये उस चमचम चुड़ैल की करतूत है। मैं उस चुड़ैल को सबक सिखा कर रहूंगा। सूर्यास्त होने के पहले मुझे किसी भी तरह महाराज को बचाना होगा। आज सर के सारे बाल में नोच लूंगा। बच्चे से घबरा गई तुम। अरे ये छोटा विक्रम जितना सता रहा है, उतना तो बड़े विक्रम ने मुझे सपने में भी नहीं सताया था। ये तो सच में शैतानों का शैतान है, लेकिन इसे कब तक यूं ही गोद में लिए लोरी सुनाती रहोगी? जब तक की सूर्यास्त नहीं हो जाता है। सूर्य के अस्त होते ही वो घड़ी रुक जाएगी। और इस विक्रम की सांसें भी। अच्छा तो ये बात है, मैं इस घड़ी को अभी तोड़ देता हूँ। अरे ये घड़ी तो सुरक्षा चक्र में है, जिससे मेरे जादू का कोई असर नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। मिल गया उपाय, अब आएगा मजा। गुब्बारे आए कहाँ से? जाने दो उसे! अरे अरे रोको उसे, रोको रोको। ये क्या, ये क्या, कैसे मुंजा तू? महाराज विक्रम जाइए, थोड़ी देर इन दोनों के साथ और खेल लीजिए, तब तक मैं इस घड़ी को तोड़ देता हूँ। भागो, ये आज हमें बहुत मारेगा। लो, हो गया काम तमाम। मुंजा, तुमने फिर से मेरे प्राणों की रक्षा की। महाराज, आपके प्राण इस पृथ्वी के लिए अमूल्य हैं, लेकिन हमें इन दोनों को सबक सिखाना होगा। चमचम, जल्दी से निकल लो, विक्रम आ रहा है। हाँ, बे। देखा कैसे हमारे छोटे से महाराज विक्रम ने भी चमचम चुड़ैल की नाक में दम कर दिया था। यही तो खास बात है हमारे महाराज विक्रम की। तो आप भी बनेंगे ना हमारे महाराज की तरह पराक्रमी और वीर? तो फिर देखिए, क्योंकि देखेंगे तो जानेंगे और जानेंगे तो समझेंगे ना।